नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गैर राजनीतिक देशव्यापी एवं कोरोना महामारी में देश स्त्री कंट्रोल रूम्स का संचालन कर पिछले 2011 से समाज से सभी सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने हेतु कार्य कर रहे ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंगल सिंह आईपी ने अपने मंडल कार्यालय 88B इस्पात नगर कानपुर नगर पर उमा महादेवेश्वर मंदिर जिसमें माँ दुर्गा शिव नदी व हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर अपने पदाधिकारियों के साथ समाज को कोरोना महामारी से बचाने हेतु कई दिव्य औषधियों को सम्मिलित कर हवन यज्ञ किया। अपने पदाधिकारियों को हवन यज्ञ से पूर्व संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इस धरती पर अवतरित करने वाली उनकी आत्मा स्वरूप माँ स्वर्गीय रामकली देवी 12 मई 2004 को उन्हें छोड़कर ब्रह्मा लीन हो गई थी, जो हमेशा उन्हें समाज हितार्थ कार्यों के लिए प्रेरित करती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी प्रेरणा से ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग द्वारा 2011 से कार्य करते हुए आज जब समाज के ऊपर एक महाआपदा आई हुई है जिसमें बिन मौत आम जनता तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रही है, जिसे रोकने हेतु उनकी ब्रह्मालीन तिथि के अवसर पर एक मंदिर की स्थापना कर ऑपरेशन विजय के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा समाज को कोरोना महामारी से बचाने हेतु कई वायरस को नष्ट करने वाली जड़ी बूटियों एवं औषधियों के मिश्रण हवन यज्ञ किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि माता पिता से सच्चे दिल से आशीर्वाद लेने वालों को हर मुकाम मिल जाता है। वह माता पिता को दुखी कर उन्हें अपमानित करने वाले लोग कितना भी हवन यज्ञ व तीर्थ करे उनका विनाश होना निश्चित है। अंत में उन्होंने कहा कि आपातकाल को अवसर मनाकर लोगों की जिंदगी बचाने वाली ऑक्सीजन एवं अन्य दवाओं की काला बाजारी व पैसा कमाने का काम करने वालों को न ही जनता और न ही ईश्वर माफ करेगा। वैसे कार्यों में लिप्त लोगों को अंत बहुत ही जल्द होगा। मंदिर स्थापना एवं हवन यज्ञ में शामिल होने वालों में प्रमुख शिवमंगल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुचिता यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विवेश यादव एडवोकेट हाईकोर्ट, विजय प्रताप सिंह, प्रियंका यादव एडवोकेट हाईकोर्ट, पंकज दीक्षित, प्रखर पाठक, अनीता एडवोकेट, सपना यादव सहित कई ऑपरेशन विजय के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। मंदिर स्थापना एवं हवन का कार्य कानपुर के जाने माने ज्योतिषी श्री केशव गिरी जी ने अपने सहयोगी आचार्य दीपक तिवारी जी के साथ किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।